अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रिलिश रेसिपीज। जैसा कि आप सबको पता है कि बकरा ईद बहुत करीब है और कुर्बानी वाले दिन सबसे पहले कलेजी ही बनाई जाती है। बहुत से लोगों से कलेजी सही तरह नहीं बन पाती, किसी से कच्ची रह जाती है और किसी से सख्त बन जाती है। आज मैं आपसे सारी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी कलेजी बहुत नरम और मजेदार बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं यहाँ पे आधा किलो कलेजी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको मैंने इस साइज में काट दिया है। अब आप पैन में 1/3 कप ऑयल ऐड कर दें, फिर इसके अंदर एक बड़ा कटा हुआ प्याज ऐड कर दें, फिर इसके अंदर 1/4 कप लहसुन ऐड कर दें जिसको मैंने इस तरह लंबा काट दिया है। साथ ही इसमें 1/4 कप अदरक। आपने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है या तब तक जब तक ये ब्राउन हो जाए। अगर आप मेरी वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इनके ब्राउन हो जाने के बाद इनको बाउल में अलग कर दें। बाउल में ऐड करने के बाद इनको साइड पे रख दें। अब मैंने जिस तरह में 3 से 4 अदर टमाटर काट कर ऐड कर दिए हैं, इसी के अंदर आप फ्राई हुए हुए लहसुन अदरक और प्याज ऐड कर दें। फिर इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दें और इनका पेस्ट बना दें। पेस्ट बनाने के बाद इनको दोबारा पैन में शामिल कर दें। इनको 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। फिर इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/3 टीस्पून हल्दी और फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड कर दें। इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको तब तक पकने के लिए रख दें जब तक कि अपना तेल ना छोड़ दें। फिर इसके अंदर कलेजी ऐड कर दें। कलेजी को डालने के बाद इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। फिर इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करते हैं और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद ढक्कन को हटा दें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भून लें। फिर इसके बाद इसको धनिया से गार्निश कर दें। तो देखा दोस्तों, ये कलेजी की रेसिपी बनाना कितना आसान है। अब आप इस बकरा ईद में इस रेसिपी को बनाएं और इसके जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।